तौर पे होता है कि किसी निदेशक को डायरेक्टर को हम प्रमोशन देते हैं तो उसको उस विभाग में सेक्रेटरी नहीं बनाते, क्योंकि सेक्रेटरी तो डायरेक्टर का जो निर्णय है उस निर्णय की समीक्षा करता है, उसके अपील आती है। तो यहाँ पर उसी विभाग में इनको सेक्रेटरी बना दिया। सेक्रेटरी इसलिए नहीं बनाया कि सेक्रेटरी के लायक हो गए, अपने ही वेतनमान में सेक्रेटरी का प्रभार दे दिया, सचिव का प्रभार दिया। तो और वही रवि कुमार ने कहा था कि हमें मानहानि का मुकदमा दायर किया करेंगे और प्रेमो पंजर कहते हैं कि नहीं किया है, हम आज भी अपना रूप पर कायम है। तो इसलिए अब तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर एक इसकी प्रारंभिक जांच हुई लातेहार और पड़ानों में जो मुकर थे, तो जो रिपोर्ट आई तब विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि निगरानी को दे दीजिए इसकी जाँच करते। तो एक सीनियर अफसर डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, और जूनियर अफसर जो सचिव है विभाग का उसका पालन नहीं कर रहा है, और उल्टे वो 28 आदमियों की 7 कमेटियाँ 6 लोगों की बना दे रहा है कोई जांच करने के साथ। अब वो समितियों ने जांच करके क्या दिया क्या नहीं दिया और पता भी नहीं चला। मगर CAG ने जब फिर से अपना आरोप दोहरा दिया तो अब इस समिति के जाँच में जो निष्कर्ष निकले उसका कोई मतलब ही नहीं आता। 4 साल हम लोग का पूरा हो गया, 1 साल बाकी है और ये साल चुनाव का साल है, तो उसमें सरकार को ये दिखाना चाहिए कि हम विभाग हैं, हम भ्रष्टाचार पर भी और टॉलरेंस रखते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कार्रवाई हो जाती है तो इससे सरकार की साख बढ़ेगी। मिसाल हम हमारे मेरी के भी लोग हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का सवाल खड़ा होगा साहब, आपने विकास आयुक्त करने के बाद जांच नहीं कराया, उसके बाद लिपापोति करने के लिए 28 लोगों की समितियां बना दी। बेहतर होगा कि दो राज्यों का राज्य से बाहर का मामला है तो CBI से इसकी जांच करा दी जाए, भेज देना चाहिए हम लोगों को अनुशंसा, या एक बड़ा घोटाला हुआ है उस पर कार्रवाई कर देना चाहिए। अगर हमको लगता है कि अभी भी संदेह है तो जाँच हो जाए, नहीं तो ये तो इतने सबूत आ गए हैं कि कार्रवाई करना चाहिए सीनियर अफसरों पर। और ये आप लिख सकते हैं कि 2 लोगों का सार्वजनिक बयान आया था इसमें, एक तो रेणु पन्नीकर जो झारखंड झारक्राफ्ट की CEO थी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी थे, झारक्राफ्ट ने ही कंबल बुनवाने के लिए कहा था कि हम बुनवाएंगे बुनकरों से, और दूसरा के रवि कुमार जो उद्योग के निदेशक थे, उस पर पन्नीकर ने कहा था ये बहुत पैसा मांग रहे हैं बिल भुगतान करने के लिए। तो रवि कुमार ने कहा था कि मैं इन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। अखबार में भी छपा कि उन्होंने सरकार को लिख दिया है कि भाई मुझे अनुमति दीजिए, मैं मानहानि का मुकदमा करना चाहता हूँ। तो मैंने रेणु पन्नीकर से पूछा, बीच में तो मैंने रवि कुमार से भी 2-3 बार पूछा कि भाई क्या हुआ आपका मानहानि का मुकदमा का स्थिति क्या है। नहीं सर, हमने दायर कर दिया है, जब भी डेट आएगा होगा।